डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए भी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80 प्लस का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। टॉपिक है फेमिनिज्म पर। हमें जैसे पता ही है कि बहुत ज़्यादा जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, जैसे बहुत सारे एक्ट्स भी थे, जैसे सती सिस्टम हो गया, डाउरी सिस्टम चलता था, ये सारे कुछ जो चलता था, लड़कियों को उनके उतने हक जो हैं नहीं दिए जाते थे। तो यही हमारा फेमिनिज्म है, उनके लिए लड़कियों के काम कर, लड़कियों के लिए जो सारे व्यक्ति जो स्कॉलर्स हैं आगे आए, तो वो फेमिनिज्म बन गया। तो जो फेमिनिज्म है वो लेटिन वर्ड फेमिना से बना है, जिसका मतलब है वुमेन, और इसका मतलब है कि सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको इक्वल जो है राइट्स मिलने चाहिए, और इसके लिए वुमेन्स राइट मूवमेंट भी चलाया गया है। एवर सिंस एंटिक्विटी देयर हैव बीन वुमेन फाइटिंग टू फ्री देयर हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मेल ऑपरेशन। तो क्या है कि बहुत देर से कहते जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो लड़ रही हैं, उनकी लड़ाई हो रही है एक तरह से, क्योंकि उनको उनके पूरे राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से, पैट्रियार्कियल सोसाइटी होने की वजह से, उन्हें जो है ऑप्रेस किया जा रहा है। फेमिनिज्म इज नॉट अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट, बट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीगल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन विच हैव एग्जिस्टेड थ्रू आउट हिस्ट्री एंड इन ऑल सिविलाइजेशंस। नेचुरली द प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिज्म हैव बीन आर्टिकुलेटेड लॉन्ग अगो। तो फेमिनिज्म है क्या? फेमिनिज्म हमारे लिए एक सिविल राइट्स मूवमेंट है, जिसमें सभी को जो है इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट करते हैं, लीगली करें, इकोनॉमिकली, कोई किसी भी तरीके से सोशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए। फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज पोस्टुलेटेड, पॉपुलराइज्ड एंड पार्टिसिपेटेड बाय थिंकर्स एंड ऑथर्स लाइक। तो ये सारे जो हैं उन्होंने राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं फेमिनिज्म मूवमेंट पर। वो कौन कौन से हैं? एलाइस वॉल्कर, नियोमी लिटिल बियर, जूडिथ फेल्टरबे, मैकेले वॉलेस, लिलियान स्मिथ, इलाइन शोवाल्टर, सिमोने दे बेवियर, केट मिलेट एंड अदर्स। तो ये कुछ राइटर्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जो है आइडियाज़ मिले हैं हमें फेमिनिज्म के लिए, और जिससे बहुत ज़्यादा जो है लोग प्रभावित हुए हैं। इट इज़ अ मॉडर्न मूवमेंट एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेल डोमिनेशन। इट प्रोवाइड स्ट्रेटजीज फॉर चेंज। द एम ऑफ फेमिनिस्ट इज टू अंडरस्टैंड वुमेन्स ऑपरेशंस कीपिंग इन माइंड। तो क्या है ये, किसके अगेंस्ट है? फेमिनिज्म जो है मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट है, और जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो कहते हैं किसी भी तरीके से जो वुमेन है उसे ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, ना ही रेस वाइज जेंडर वाइज हमें किसी भी तरीके से वुमेन को ऑप्रेस नहीं करना चाहिए। तो वो ये बताना चाहते हैं कि वुमेन को भी मैन के जैसे ही राइट्स, इक्वल राइट्स जो हैं वो देने चाहिए। तो इसके तीन प्रिंसिपल हैं फेमिनिस्ट थ्योरी के जो उन्होंने फाउंड किए हैं। नंबर वन इज़ वुमेन हैज़ समथिंग वैल्यूएबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं वुमेन के पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में जिसे वो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि अगर वुमेन्स ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एज एन ओप्रेस्ड ग्रुप वुमेन हैव बीन अनेबल टू अचीव देयर पोटेंशियल, रिसीव रिवॉर्ड्स और गेन फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। कहते आज भी जो है ऑप्रेस्ड ग्रुप है, वुमेन जो है एक ऑप्रेस्ड ग्रुप है, जिन्हें अपने रिवार्ड्स, अपने जो जितने वो पार्टिसिपेशन करते हैं उन्हें फुली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, उन्हें उनके अकॉर्डिंग रिवार्ड्स जो हैं वो नहीं दिए जाते।
मतलब कि उनकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है. फेमिनिस्ट रिसर्च शुड डू मोर देन क्रिटिक बट शुड वर्क टूवर्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. तो फेमिनिस्ट रिसर्च तो सिर्फ क्रिटिसाइज करती है, क्रिटिक करते हैं उन्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए मेल्स को या किसी को भी, वुमेन जो है उन्हें इक्वल राइट्स देने चाहिए. लेकिन ये है क्या, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य है जिसमें एक सोसाइटी जो है उसमें सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म. गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स एंड डिवाइडेड इनटू मैन एंड वुमेन विद अ फ्यू बेसिक डिफरेंसेस इन बॉडी एंड माइंड. तो जो भगवान है उन्होंने दो व्यक्ति बनाए, मतलब कि दो जेंडर बनाए, एक मेल और एक फीमेल. तो वो उनके अलग अलग काम हैं. द क्वेश्चन ऑफ मैन वुमेन रिलेशनशिप डिडंट एग्जिस्ट इन अ बारबेरिक एज. इट वॉज ओनली विद द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन मैन बिगिन टू लिव इन ग्रुप्स एंड लेटर फॉर्म्ड फैमिलीज मैट्रियार्कल एंड देन पैट्रियार्कल. तो क्या है कि मैन और वुमेन का रिलेशनशिप जो है उससे फैमिलीज हैं, मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल फैमिली होती है जिसमें मैट्रियार्कल जिसमें मदर जो है वो डोमिनेटेड रोल प्ले करती है, और पैट्रियार्कल होता है जिसमें फादर जो हैं वो डोमिनेटेड रोल प्ले करते हैं. तो मेन इसमें फादर होते हैं और मैट्रियार्कल में जो है वो मदर होते हैं. देन द क्वेश्चन अराउज प्राइमरली टू डिटरमाइन द फादरहुड ऑफ एवरी न्यू बॉर्न बेबी. तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में फादरहुड जो है वो ज़्यादा होता है. इट वॉज द इन्वेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज दैट सोड द सीड ऑफ स्लेवरी फॉर वुमेन. मनु द लॉ गिवर सेंटिफाइड दिस स्लेवरी व्हेन ही रूल्ड इन मनुस्मृति. वुमेन इज नॉट इंटाइटल्ड टू फ्रीडम. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बताया जाता है कि मनुस्मृति में मनु जी ने जो वुमेन को एक तरह का जो है स्लेव बनाया था, तो इसीलिए जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा फ्रीडम ना देने की, उन्होंने वुमेन्स को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी थी. तो इसीलिए आज तक जो है वो वुमेन को स्लेव की तरह देखा जाता है. When the transition from barbarism to social life had its advantages, it also compelled the individual to repress his intellectual behavior and thereby to minimize the chances of his life. Pleasurable. Such repression is all the more so in the rigid tradition bound society of India. The resultant suffering is also shared more by women in India because the social norms and moral codes of India are particularly disadvantages to women. So क्या है, ये एक तरह के rules बन गए, एक behavior बन गया. तो इससे जो है एक ट्रेडिशन बन गया कि हमें जो है ऐसे ही सभी के साथ बिहेव करना चाहिए, वुमेन के साथ ऐसे बिहेव करना है, मैन के साथ ऐसे बिहेव करना है. तो जब ये ट्रेडिशंस बन गए थे, ये वुमेन के लिए डिसएडवांटेजेस थे. मनुज रूलिंग वॉज सेंचुरीज अगो इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड द स्लेव स्टेटस ऑफ वुमेन कॉन्टिन्यूड अनअबेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. Mate assumed aggravated dimensions so much so that the famous poet Vidyapati sang and disappeared in the early 15th century. तो एक तरह का prehistoric time में जो हम बहुत सारे centuries से पहले देखते हैं, prehistoric time में slave status जो है वो slave system था, slave status बन गया था women के लिए. तो विद्यापति जो फेमस पोएट हैं उन्होंने क्या बताया, लेट नो वन बी बोर्न बट इफ वन मस्ट लेट नो वन बी अ गर्ल. इफ वन मस्ट बी अ गर्ल दे मे देन मे शी नेवर फॉल इन लव. इफ शी मे फॉल इन लव फ्री हर फ्रॉम हर फैमिली. तो उन्होंने जो है अपने रूल्स बनाए कि गर्ल जो है लेट नो वन बी अ गर्ल, कि पहले तो जो लड़की है वो जिंदा ना हो, मतलब कि लड़की का बर्थ ना हो. फिर उसके बाद अगर है तो फिर वो किसी से प्यार ना करे. अगर वो ऐसा करती है तो उसे फैमिली से जो है वो निकाल दिया जाए. तो ये सारे जो है कुछ ट्रेडिशंस बने हुए हैं, कईयों की सोच आज तक भी वैसी है. लेकिन मेल और फीमेल जो है दोनों को ही इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का जो है भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए. It is easy and convenient to blame Manu to initiate the subjugation of women.
but the process encouraged by Manu's law isolated in India some of the worst consequences of the steady erosion of the social status of women were marrying of girls at a very tender age, barring women from religious rituals and prohibiting widow remarriage. तो इस सब से जो है हमें हम मनु को जो है वो ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन कई जो है इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे आई, जैसे कि विडो रिमैरिज को मनाही, कि विडो रिमैरिज नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को ये काम नहीं करना, जल्दी लड़कियों की शादी कर देते थे। तो ये जब मनु ने ये कुछ चीज़ें जो बताई थी, इससे आगे आगे सोसाइटी में ये चेंजेस आई। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। मैनी रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स यूज द टर्म फेमिनिज्म, दे ट्राई टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन इट डिफरेंटली। सम ऑफ देम यूज इट टू रेफर टू सम हिस्टोरिकल पोलिटिकल मोमेंट्स इन USA एंड यूरोप। तो बहुत सारे जो फेमिनिज्म है अपने अपने तरीके से इनको जो है डिफाइन करते हैं, फेमिनिज्म वर्ड को। हम जो है हमारे हिस्टोरिकल पोलिटिकल मोमेंट जो हैं USA से, USA में हुआ, यूरोप में हुआ, उससे भी हमें जो है कुछ चीज़ें फेमिनिज्म पर आधारित पता चलती हैं। द टर्म फेमिनिज्म हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इट रिप्रेजेंट्स वुमेन्स प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग इन ऑर्डर टू देयर ड्रीम्स इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटीज कंट्रोल्ड बाय मैन, हिज पावर, रूल्स, विशेज एंड ऑर्डर्स। तो कहते हैं फेमिनिज्म क्या है, एक प्रॉब्लम बन गई है। वुमेन जो है, वुमेन्स को इतनी प्रॉब्लम है कि वो इतना सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है नहीं मिल रही, क्योंकि सारा जो कंट्रोल है उन पर किन का है, मैन का, मैन की पावर का। उनकी जो विशेज हैं वो भी कौन ग्रांट करता है, मैन। रूल भी उन पर कौन करता है, मैन। तो वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो फेमिनिज्म है, कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है बनी हुई है। नेक्स्ट इज द टर्म फेमिनिज्म हैज़ अ हिस्ट्री इन इंग्लिश लिंक्ड विद वुमेन्स एक्टिविज्म फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट। इट इज़ यूजफुल टू डिस्टिंग्विश फेमिनिस्ट आइडियाज और बिलीव्स फ्रॉम फेमिनिस्ट पोलिटिकल मूवमेंट्स, फॉर इवन इन पीरियड्स वेयर देयर हैज़ नो सिग्निफिकेंट पोलिटिकल एक्टिविज्म अराउंड वुमेन्स सबॉर्डिनेशन, इंडिविजुअल्स हैव बीन कंसर्न्ड विद एंड थियोराइज्ड अबाउट जस्टिस फॉर वुमेन। तो हमने पहले इंडियन जो है थ्योरी के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है मनु ने ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो बताए थे, और ऐसे जो है हमारे इंग्लिश भी जो है लिंक करती है वुमेन एक्टिविज्म ने, वो डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है फेमिनिस्ट आइडिया को और उनके बिलीव्स को। इसमें उन्होंने यही बताया है कि कैसे जो है लड़कियों को कैसे पोलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स में भी जो है उनका इतना रोल नहीं दिया गया। डिस्पाइट ऑफ द प्लेन गोल सेरिगेशन एंड हार्ड इन इक्वालिटी, वुमेन वर एबल टू स्टैंड अप ईच टाइम एंड दे वर एबल टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स एंड विशेस। इन एडिशन वुमेन वर एबल टू स्प्रेड इट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेक इट अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड मेक ऑल पीपल बिलीव दैट मैन एंड वुमेन डिजर्व इक्वालिटी इन ऑल अपॉर्चुनिटीज, ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट एंड सोशल राइट्स। तो इसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि लड़कियों को भी जो है पूरे हक मिलने चाहिए, इनइक्वालिटी जो है उन्हें नहीं देनी चाहिए। इनइक्वालिटी की वजह से भी लेकिन जो लड़कियां हैं वो फिर आगे बढ़ रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने विशेज को जो है वो दूसरे के साथ शेयर करती हैं ताकि उन्हें भी जो है उनके हक मिल सकें, क्योंकि उन्हें भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सोशल राइट्स में। नेक्स्ट है, बहुत सारे मॉडल्स हैं फेमिनिज्म के। नंबर वन इज लिबरल फेमिनिज्म। Men and women are equally rational. They are both therefore qualified to fulfill social and practical roles at any level. तो men and women जो है दोनों एक जैसे ही कैपेबल हैं, इक्वल हैं, तो उन्हें जो है अपने सोशल और पोलिटिकल रोल्स को इक्वली लेवल पर जो है वो फॉलो करना है, क्वालिफाई करना है। तो वो उनके कौन, लिबरल फेमिनिज्म के कौन कौन से राइटर्स थे, सबसे पहली है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरिया स्टीवर्ट, जो ग्रिमी सिस्टर्स, बैटी फ्राइडन, ग्लोरिया स्टीनेम, मॉली यार्ड। ये जो है कुछ लिबरल फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट हैं जिन उनके स्कॉलर्स हैं।
लिबरल फेमिनिज्म इज अ पर्टिकुलर अप्रोच टू अचीविंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. इट एम्फसाइज ऑन द पावर ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू ऑल्टर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन. तो ये क्या है, लिबरल फेमिनिज्म वो काम करते हैं, एक वैसी पर्टिकुलर अप्रोच है कि सभी को जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है. तो वो किसी भी तरीके के भेदभाव के डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो खिलाफ है. Its roots stretch back to the social contract theory of government instituted by the American Revolution. Liberal feminism aims for individuals to use their own abilities and the democratic process to help women and men to become equal in the eyes of the law in the society. तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आई थी उन्होंने भी जो है बहुत सारा जो है काम किया. उनके मेन एम्स क्या थे कि सभी को उतनी एबिलिटीज मिलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है वो दोनों ही सोसाइटी के सामने और कानून के नज़रों में दोनों ही इक्वल है. वाई ऑर्गेनिज्म वुमेन इंटू लार्जर ग्रुप्स दैट कैन स्पीक एट अ हायर लेवल पुश फॉर लेजिस्लेशन एंड रेज अवेयरनेस ऑफ इशूज. दोज टेकिंग अ लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच विल यूज द रिसोर्सेज एंड टूल्स अवेलेबल इन अवर सोसाइटी टू एडवोकेट फॉर चेंज. लिबरल फेमिनिज्म विटनेस सेवरल वेव्स ऑफ चेंजेस दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इट्स डिवेलपमेंट एंड इट्स पावर थ्रू आउट द हिस्ट्री. तो बहुत सारे जो है ग्रुप्स बनाए गए वुमेन के लिए ताकि वो उन्हें भी जो है जागरूक किया जा सके, उन्हें अपने पावर्स के बारे में, उनके रिसोर्सेज के बारे में, जो है वो उनके टूल्स के बारे में उन्हें बताया जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके. क्योंकि बहुत सारे जो है चेंजेस आए हैं उनके डिवेलपमेंट में, हिस्ट्री में भी. तो गर्ल्स जो है उन्हें भी इक्वल राइट्स होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही होनी चाहिए, उन्हें ऑप्रेस किया जाए, नहीं. क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सभी इक्वल हैं. The spirit and the importance of their ideas were able to move to other civil rights movements who adopted it as a form of realization and awareness of the importance of speaking and expressing their problems and ideas. तो उन्हें यह पता होना चाहिए उनके जो ideas हैं, जो civil rights movements हैं उनके according उन्हें अपनी realization होनी चाहिए, इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर उनके कुछ ideas हैं जहाँ उन्हें कोई problems हैं वो उन्हें जो है अच्छे से बता सके और अपने लिए जो है वो लड़ सके. द मेन थ्रस्ट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इज दैट एन इंडिविजुअल वुमेन शुड बी एबल टू डिटरमाइन हर सोशल रोल विद एज ग्रेट फ्रीडम एज डज अ मैन. तो उन्हें भी उतना ही जो है राइट होना चाहिए, उतनी ही फ्रीडम होनी चाहिए, उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए गर्ल्स को भी जितनी कि बॉयज को है. फेमिनिज्म therefore has required removing the historic structure of patriarchal law that denied women civil rights. The major emphasis is that equality of women before the law in educational and professional opportunities, change in marriage laws, property rights, inequitable divorce, equal pay for equal work, wife battering in the home and liberalization from all dehumanizing forces. तो उन्होंने बताया है कि किसी भी तरीके की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल लॉ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स को भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हो. पहले सिर्फ जो लड़की हैं उन्हें राइट मिलते थे प्रॉपर्टी के, बट आजकल जो है वो लड़कियों का भी उतना ही हक होता है. तो इक्वल ही पे करना काम के लिए, तो ये सारे जो है इक्वालिटी के रूल्स हैं कि जो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं उन्हें इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे मेल है फीमेल है मैन है वुमेन है, तो वो सभी ही इक्वल हैं. इन शॉर्ट इट एम्स एट ब्रिंगिंग इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम्स डो नॉट क्वेश्चन द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ वुमेन सबॉर्डिनेशन. तो ये भी वही बात करते हैं कि जो वुमेन है मैन है उन्हें इक्वल राइट्स जो हैं वो सोशल सिस्टम में मिलने चाहिए. तो आज हमने फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा. तो फेमिनिज्म की जो थ्योरी है जिसमें मेन स्कॉलर मैरी वॉल्सक्राफ्ट है, वो सारी थ्योरी जो है मेल डोमिनेशन पर जो है बेस्ड है कि मेल डोमिनेशन सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, ये
कह लो चाहे वुमेन के लिए है कि सभी जो जेंडर है उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, मेल या फीमेल की किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। होता है नागरिक होता है। तो कई ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें ड्यूअल सिटीजनशिप है, कई ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, तो मोस्टली ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो यूएसए में है। और लेट्स स्टार्ट विद सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज़ एन ओल्ड एंड एट द सेम टाइम रेलेवेंटली न्यू कंसेप्ट फॉर्म्ड इन द सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस इवॉल्व्ड फ्रॉम द रोमन एम्पायर एरा टू द मॉडर्न नेशन स्टेट्स वेयर इट ग्रू एज सिनोनिमस टू द नोशंस ऑफ मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक एजेंसी एंड राइट्स। इट केम टू द फोकस ऑफ थियोरेटिकल अटेंशन स्पेशली ड्यूरिंग द 90s। तो जो सिटीजनशिप है वो बहुत पुरानी है और एक न्यू कंसेप्ट भी है, क्योंकि ये जो है एंशिएंट ग्रीस से बना है, रोमन एम्पायर एरा के टाइम में, जो कि जिसका मतलब मेन सिमिलैरिटी क्या है, नोशन ऑफ मेंबरशिप। जैसे एक व्यक्ति को मेंबरशिप मिलती है वैसे सिटीजनशिप भी वही होती है। जो एक हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें हर एक व्यक्ति को जो है इक्वल राइट्स होते हैं और सिटीजनशिप भी हर एक को मिलती है जो व्यक्ति उस देश का रेजिडेंट हो। तो ये जो टर्म है 90s से ली गई है। प्रिमैरली सिटीजनशिप वॉज अटैच टू पोलिटिकल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक ऑफिस एंड इलेक्टिंग प्रोसीजर्स एज वोटिंग एंड पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। तो सिटीजनशिप है क्या? पोलिटिकल पार्टिसिपेशन, हम किसी चीज़ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो अगर व्यक्ति उस देश का नागरिक होगा, सिटीजन होगा, तभी जो है वो क्या करेगा, तभी पार्टिसिपेट करेगा। Nowadays, it is considered to be a broad concept that embraces the totality of interests that personal and public relations forge in a certain political community. Additionally, the modern nation states are hosting nowadays a respected number of non-citizens, legal or illegal immigrants. As far as they are concerned, citizenship is a non-right, a form of exclusion of inequality and discrimination. तो ये एक political community बनाता है जिसमें जो है एक व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। अगर कोई इनइक्वालिटी, अगर कहें कि ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये राइट है। वो व्यक्ति जो इतनी देर से जो है रह रहा है तो उसका ये जो सिटीजनशिप है वो राइट है। टुडे द वास्ट वेव्स ऑफ माइग्रेशन इन यूरोप एंड अमेरिका एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन और चैलेंजिंग अवर एप्रीहेंशन ऑफ सिटीजनशिप। ट्रेडिशनली द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप वॉज फोर्ज इन द प्रोसेस ऑफ स्टेट बिल्डिंग एंड अटैच टू द नोशन ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी डिफाइंड सिटीजनशिप बाय बिकमिंग द सोशोलॉजिकल एंड नॉमेटिव बेसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड सॉलिडेरिटी between the sociological and normative basis of identity and solidarity between themselves of a political community. Nevertheless, globalization and immigration have currently reattached this close connection by challenging the traditional bond between nation and state building. तो ये क्या है, एक close bond बन जाती है nation और state building में। nationality है क्या, एक citizenship है, globally सभी को दी जाती है। जैसे हम कई बार migrate करते हैं किसी Europe या फिर America में, तो उसके भी कुछ consequences होते हैं जिससे वो हमें जो nationality मिलती है। The Republican approach is crafted in the model of ancient Athens, based on a strict public-private division and on the exercise of political power by equal citizens, nevertheless representing the minority of the population. इसमें एथेंस के, एंशियंट एथेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी रिपब्लिकन अप्रोच है उसमें भी बताया गया है कि इसमें प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न होते हैं पॉलिटिकल पावर्स की भी, जिसमें सभी व्यक्ति जो है उन्हें इक्वल जो है पावर्स दी जाती हैं, इक्वल सिटीजन्स कहा जाता है, चाहे मिनोरिटी हो पॉपुलेशन की चाहे मेजॉरिटी हो। दिस सिटीजनशिप वाज अपॉइंटेड ओनली टू मेल्स ओवर 20 ईयर्स ओल्ड बोर्न बाय द एथेनियंस पेरेंट्स ऑनर ऑफ द ऑफ ए हाउस होल्ड एंड एबल टू एंगेज इन वॉर।
तो ये कई बार एथेनियंस ने भी दी, एथेंस वालों ने भी दी हुई थी सिटीजनशिप कि वो मेल्स जो 20 ईयर्स से वहाँ पे रह रहे हैं या फिर एथेनियंस पेरेंट्स के बच्चे हैं उन्हें जो है जहाँ वॉर के टाइम पे वहाँ थे तो उनको सिटीजनशिप मिली. फॉर दिस स्मॉल इन साइज पोलिटिकल बॉडी एब्सोल्यूट इक्वालिटी इन पोलिटिकल पार्टिसिपेशन वॉज गारंटेड वियर द सिस्टम ऑफ लॉ बाई लॉटरी एंड बाई अपॉइंटिंग शॉर्ट टर्म ऑफ ऑफिस इन द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसिडर्ड एज एथेनियन सिटीजन्स वॉज एश्योर्ड. Everyone was considered to be lived or ruler. That was the meaning of the world democracy, the rule of people. तो इसमें जो है एथेनियन पेरेंट्स के जो बच्चे थे उन्हें सिटीजनशिप मिली, जो एथेंस में अब वहाँ पे 20 साल से रह रहे थे उन्हें सिटीजनशिप मिली. तो ये क्या है, हमें सिटीजनशिप हमें गारंटी देता है कि हम जो पोलिटिकल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे राइट्स देता है, हमारे ड्यूटीज़ जो हैं हमें बताता है. सिटीजनशिप से ही हमारे राइट्स जो हमें मिलते हैं. तो ये जो है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरह होते हैं जिसमें हम सभी पार्टिसिपेट करते हैं, हम एक तरह के रूलर बन जाते हैं जो कि हम डेमोक्रेसी में बनते हैं क्योंकि हमारी ही सरकार होती है, हम सबके हाथ में होता है कि हमने किसको वोट डालनी है. Nevertheless, the Republican approach is strongly criticized, especially by the feminist theory in terms of being excluding and suppressing, especially for women, children, slaves. The feminist theory after the 70s has strongly criticized the absolute division between public and private that the Republican model of citizenship is based on as unjust and unequal. तो जो रिपब्लिकन अप्रोच वाले हैं इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि वो फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट थे, फेमिनिस्ट थिंकर्स थे. और हमने पहले भी पढ़ा है पहली वीडियो में कि जो फेमिनिज़म है वो किसके, वो बताते हैं कि कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी चलती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी चलती है, कैसे गर्ल्स को जो है या वुमेंस को दबाया जाता है. तो इस वजह से वो हैं उनके अगेंस्ट थे रिपब्लिकन मॉडल ऑफ सिटीजनशिप के क्योंकि वो कहते थे कि ये अनइक्वल है और अनजस्ट है. अर्लियर हैना आर्डेंट इन वन ऑफ हर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स विच इज़ पब्लिश्ड इन 1958 इज एम्फसाइजिंग दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक इन एंशियंट एथेंस वॉज इन डीड अ डिविजन बिटवीन होम हाउस होल्ड एंड सिटी. तो हना आर्डेंट की जो एक बुक है 1958 की, उसे हम एक बहुत ज़्यादा वो एक इन्फ्लुएंशियल बुक है जिससे हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने डिवीज़न की है एक प्राइवेट और एक पब्लिक. तो इसमें क्या है, दो तरीके के हैं, उन्होंने एक होम हाउसहोल्ड में डिवाइड किया और एक सिटी में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वॉज द डोमिनियन ऑफ नेसेसिटी विद द ह्यूमन नीड्स ऑफ एवरीडे लाइफ. तो पहली क्या है, जो हमारे होम हाउसहोल्ड है इसमें उन्होंने ज़रूरत, जो एक व्यक्ति को हर एक ज़रूरत होती है उनके जो बेसिक नीड्स हैं उसमें पूरी. द रिपब्लिकन अप्रोच इज ऑल्सो डोमिनेंट इन द रोमन रिपब्लिकन एरा. इट्स मेन डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट दो इन एंशियंट एथन सिटीजनशिप वॉज द बेसिस ऑफ इक्वेलिटी इन द रोमन टाइम्स इज द रिजल्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल बिटवीन द पार्टीशियंस एंड द प्लेबियंस. तो उन्होंने कहा है कि जो रिपब्लिकन अप्रोच है उसमें डोमिनेंस है रोमन रिपब्लिकन एरा में और बहुत सारे जो हैं डिफरेंस पाए जाते हैं क्वालिटी के बेस पर. इन्होंने दो क्लास स्ट्रगल, जैसे मार्क्स ने भी क्लास स्ट्रगल जो है डिफ़ाइन किया था वैसे इन्होंने भी जो है क्लास स्ट्रगल डिफ़ाइन किया है. उसमें दो तरह के हैं, पैट्रिशियंस जिन्हें कि पैट्रिशियस भी कहा जाता है एंड प्लेबियंस जिन्हें प्लेबियस भी कहा जाता है. एडिशनली द पीपल ऑफ रोम नेवर रिक्वायर्ड द सेम पोलिटिकल पावर सिंस सेनेट. तो जो रोम में व्यक्ति जो रहते हैं उन्हें उतनी पॉलिटिकल पावर जो है वो नहीं दी जाती. अ पॉलिटिकल बॉडी डोमिनेटेड बाय पार्टीशियंस वाज डोमिनेटिंग द रोमन रिपब्लिक. जो पार्टीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं रोमन रिपब्लिक को. अकॉर्डिंग टू द रोमन मोटो सेनेटर्स पॉपुलोसियो क्रोमिनस द सेनेट एंड द रोमन पीपल द रोमन सिटीजन्स वर रिगार्डेड एज कोर रूलर्स एंड नॉट एज द सोल रूलर्स ऑफ द रोमन रिपब्लिक. इसमें जो है उन्होंने एक मोटो यूज़ किया हुआ है सेनेटर्स पॉपुलोसियो क्रोमिनस और इन्होंने कहा है कि जो रोमन सिटीजन्स हैं वो को रूलर्स हैं लेकिन उन्हें रोमन रिपब्लिक की रोमन रिपब्लिक में जो रूलर्स की तरह उन्हें नहीं वो दिया जाता, उन्हें को रूलर्स जो है वो
कहा जाता है, एज अ रूलर्स कंसिडर नहीं किया जाता। दिस लीगल काइंड ऑफ सिटीजनशिप वॉज डीम्ड एज अ सेकेंडरी सिटीजनशिप विच डिड नॉट इन एनी सेंस इम्प्लाइड एनी एबिलिटी फॉर पोलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये जो लीगल काइंड ऑफ सिटीजनशिप है इन्हें सेकेंडरी सिटीजनशिप कहा जाता है, जिसमें कोई भी पोलिटिकल पार्टिसिपेशन जो उसकी एबिलिटी जो है वो नहीं लाई करती। द लीगल सिटीजनशिप एम्फसाइज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्सन्स प्राइवेट इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मटीरियल पोजेशंस एंड सेल्फ ऑनरशिप इनिशियली एज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड आफ्टरवर्ड्स एज प्राइवेट ऑटोनॉमी। तो वो जो है हमें स्लेवरी से फ्री करवाना चाहते हैं, प्राइवेट ऑटोनॉमी चाहते हैं कि सभी जो हैं वो इक्वल हों। इसी तरीके से जो थॉमस होब्स हैं या जो लोग हैं 18th century के, वो भी जो हैं इक्वालिटी ही चाहते हैं। द नोशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज इन रियलिटी द नोशन ऑफ ए फंडामेंटल सुपीरियर लॉ जस्टिफाइंग एंड बाइंडिंग एट द सेम टाइम द सोवरेन मोनार्क पावर। तो ये जो इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि बाइंडिंग हैं, लॉ जो है वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, तो ये कुछ जो है मोनार्क पावर पर डिपेंड करती हैं। ये जो है रूलर और रूल्ड पर डिपेंड करता है उनमें कैसा जो रिलेशन है, और जो रूलर है वो मोस्टली किसकी खुशी के लिए कार्य करेगा, किनके वेलफेयर के लिए कार्य करेगा, सभी उनकी पब्लिक के लिए। नेक्स्ट इज द मार्शल्स अप्रोच ऑन सिटीजन। मार्शल जो है उन्होंने भी अप्रोच दी थी सिटीजनशिप पर, वो क्या थी, अनटिल टूडे द वर्क ऑफ थॉमस मार्शल सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अप्रोच ऑन द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। विद हिज वर्क मार्शल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशल राइट्स वर्ल्ड्स ही अटैच द नोशन ऑफ सिटीजनशिप विद द राइट टू हैव राइट्स नेमली सिविक पोलिटिकल एंड सोशल। तो ये जो है मॉडर्न थ्योरीज पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, सभी को जो है वो इक्वल राइट्स होने चाहिए, और थॉमस मार्शल ने बुक भी लिखी थी, वर्क है उनका सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। तो इसमें जो है वो सभी तरह की इक्वालिटी चाहते हैं, सिविक हो, सिविक राइट्स मिलने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए और सोशल राइट्स मिलने चाहिए, यही हमारी सिटीजनशिप है। ऑन दिस अप्रोच ही स्ट्रक्चर्ड द कंसेप्ट ऑफ ए कम्प्लीट सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट्स बिलोंगिंग टू ऑल थ्री कैटेगरीज। कहते हैं कि जब सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, सोशल राइट्स हो, तो यही जो है हमारे पॉलिटिकल सिटीजनशिप है। द फर्स्ट फेज द क्रिएशन ऑफ द स्टेट इज करेक्टराइज्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पीपल एज सब्जेक्ट ऑफ द लेजिटिमेट सॉवरेन पावर। तो इसमें सभी को सॉवरेनिटी होनी चाहिए, एक जो राजा है वो सॉवरेन होना चाहिए, उसके पास सॉवरेन पावर होनी चाहिए। सॉवरेनिटी इज बिल्ड अपॉन मोनार्की। सॉवरेनिटी जो है एक मोनार्की की तरह होती है, जिसमें सारे जो काम है, सारे जो पावर है वो स्टेट के पास है। Therefore, sovereign authority exists because it is enacted in a territorial defined number of people. तो इसी तरीके से जो sovereignty है वो exist करती है क्योंकि ये एक territory में, territory पर based होती है। The second phase is characterized by a new focus. Second phase पे new focus है, मतलब कि इन्होंने पहले first phase बताया, अब second है और इसका third phase भी है। First में इन्होंने यही बताया कि सभी जो है एक legitimate sovereign power होनी चाहिए जो territory पर based होती है। तो first phase में इन्होंने mostly territory की बात की, और second में जो है इन्होंने new focus डाला। Sovereign is shrinking and becoming the means to preserve, safeguard and expand the birth and evolution of European market-based economies signified by the free flow of products, commerce and the gradual development of industrial economy. तो इसमें जो है protect करना भी आता है, preserve करना भी आता है, कि अपने जो state है उसमें व्यक्तियों को protect करना है, safeguard करना है, products जो हैं उनका फ्री फ्लो होना चाहिए, और हमारी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द थर्ड फेज। द थर्ड फेज इज दैट ऑफ द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म एंड ऑफ क्रिएटिंग द नेशन स्टेट इन एन आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल लेवल। सबसे पहला जो था किस पे डिपेंड था, फर्स्ट फेज जो था टेरिटरी पर बेस्ड था, सेकेंड जो इन्होंने ग्रेजुअल डिवेलपमेंट की बात की, और थर्ड फेज में जो है वो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं।
According to Marshall, the birth of nation states supports the regulation of the free economy, market-based society by promoting the sense of community, co-belonging and solidarity among its members. तो वो कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे बढ़ेगी, मार्केटिंग कैसे बढ़ेगी, कम्युनिटी बढ़ाओगे, सॉलिडिटेरी जो है बढ़ेगी, इससे जो है वो प्रमोट उनकी जो इकोनॉमी है उसके लिए डेवलपमेंट हो पाएगी. तो ये इनका थर्ड फेस था. अकॉर्डिंग टू मार्शल द कॉमन थ्रेड कंबाइनिंग दिस थ्री फेसेस इज द इमर्जेंस ऑफ अ मार्केट बेस्ड फ्री कॉमर्स सोसाइटी शेयरिंग अ कॉमन एथोस एंड बोन्स ऑफ सॉलिडिटेरिटी. Thus, a national consciousness regulated by a sovereign power against which the people could enact their right to legality, equality, as well as the fundamental freedoms of commerce, contract and property. तो ये है मोस्टली मार्केट बेस्ड होना चाहिए, फ्री कॉमर्स सोसाइटी होनी चाहिए, सॉलिडिटेरी होनी चाहिए ताकि इक्वालिटी रहे, हमें अपने राइट्स पता लगते रहे और फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ कॉमर्स की, कॉन्ट्रैक्ट की या प्रॉपर्टी की, मतलब कि हर एक व्यक्ति को जो है वो फ्री होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी के लिए हो, कॉमर्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो. द मॉडर्न चैलेंजेस ऑन सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, नेवर्थलेस All the three elements of citizenship nowadays are presented with counterfeits and impasses. तो अब जो है मोस्टली तीन तरह के एलिमेंट्स हैं मॉडर्न चैलेंजेस ऑन सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन. Membership as the ethical basis of a citizenship based on the community of interest is shattered in the entirely diverse liberal democracies. ये कहते हैं कि कई एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट होते हैं वो इसमें फुलफिल नहीं किए जाते क्योंकि कई व्यक्ति के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं तो सभी व्यक्ति जो हैं उनके इंटरेस्ट फुलफिल जो हैं नहीं हो पाते. The question is if it is possible a new common ethos besides ethnicity and race to replace membership at the same time political representation is weakened by the augmented incredibility of the political instructions and the lack of accountability and control that globalization and the post-national frame possess on the citizens of the world. So question unka ye hai ki ये एथनीसिटी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी रेस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी के जो इंटरेस्ट हैं मोस्टली फुलफिल करने चाहिए, जिससे ग्लोबलाइजेशन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कई बार कम हो जाती है. तो जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड में पोस्ट नेशनल फ्रेम में उनके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए. Under this understanding, the pluralistic character of the political system is guaranteeing both the tolerance as well as recognition of particular minority rights. तो ये क्या करता है, tolerance provide करता है और जो minority rights हैं उन्हें भी recognition देता है कि सभी का जो interest है वो fulfill होने चाहिए, चाहे वो majority हो चाहे वो minority हो. तो इन्हें जो है वो सभी के जो rights हैं वो fulfill होने चाहिए, चाहे वो majority हो चाहे वो minority ho. So its main fallacy is considered to be its inability to ensure equality in public deliberation from all participants, both majorities and minorities, in order to conduct a dialogue across beyond their differences. ki jo bhi inability ho lekin fir bhi majority aur minority ke jo difference hai wo nahi hone chahiye. The core characteristic of the differentiated approach is the emphasis it gives in the relations between rights, individual, political, social and belongings in the political community. जो differentiated approach में main characteristic है वो क्या है, जो हमारे relation है हमारे rights के साथ, rights हैं हमारे जो individual, political, social या community के साथ हमारे जो relations हैं वो इसमें बताए जाते हैं. अंडर दिस व्हील द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स इज अ नेसेसरी बेसिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉमन सोसाइटल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी. हमें जो ये सारे राइट्स हैं दिए क्यों जाते हैं, क्यों हम ये जो है राइट्स की बार बार बात करते हैं, ये जो हमारे राइट्स हैं वो हमें
सोसाइटी में हम रहते हैं तभी हमें ये जो राइट्स जो है प्रोवाइड होते हैं, ताकि हम सभी का जो है वेलफेयर हो सके। तो अगर हम सोसाइटी में रहेंगे, पॉलिटिकल आइडेंटिटी में रहते हैं हम सभी के साथ, हमारे जो जितने भी हम एक स्टेट में अगर रहते हैं तो हमारे जो पॉलिटिकल लॉज हैं उस स्टेट में एक जैसे होते हैं, तो वही वो सभी को एक जैसे ही राइट्स प्रोवाइड करते हैं। इन थ्योरी दिस थीसिस इज आइदर कनेक्टेड और ऑफ डिसकनेक्टेड विद नेशनैलिटी। ये जो थ्योरी है कभी कनेक्ट भी करती है नेशनैलिटी से या फिर नहीं भी करती। क्यों? दस सम थ्योरीज द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सिटीजनशिप टू बिकम इंक्लूसिव इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन नेशनैलिटी। फॉर अदर्स इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस इंटीग्रेटिंग आइडेंटिटी व्हाट इज नीडेड इज टू सरपास द नोशन ऑफ नेशनैलिटी इन ऑर्डर टू राइज अबव कल्चरल एंड एथनिकल डिफरेंसेस। तो हमें जो है अपनी आइडेंटिटी के लिए, डिफरेंसेस के लिए जो है उसे भी सरपास करना चाहिए, मतलब कि हमारे डिफरेंसेस हैं लेकिन हमें जो है एक यूनिटी बनानी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जो है वो इक्वालिटी से रह सके। तो इसमें थिंकिंग, यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट या जनरल प्रिंसिपल भी आते हैं, जिसमें कल्चर भी कईयों का अलग होता है, इतनी डाइवर्सिटीज़ वगैरह पाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड पोस्ट नेशनलिस्ट दो दे डू नो डाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज। दे क्लेम दैट सस्टेनिंग इट नाउ अ डेज इज इन फैक्ट द फाउंडेशन ऑफ एन इंड्यूरिंग सप्रेशन ऑन एथनिक कल्चरल माइनॉरिटीज एज वेल एज ऑफ अक्रॉस बॉर्डर इम्पीरियलिज्म। तो कहते हैं जो पोस्ट नेशनलिस्ट वाले हैं वो डाउट तो नहीं करते, नो डाउट किस पे डिपेंड करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सभी स्टेट में होनी चाहिए, तभी ही लिबरल डेमोक्रेसी हो सकेगी, तभी हम क्लेम कर सकेंगे कि एथनिक और कल्चरल माइनॉरिटीज़ जो हैं उन्हें भी जो है पूरे राइट्स मिले हैं। What they propose is the replacement of nationality and its role in the forming of a common identity. तो ये जो है वो कॉमन आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। यूनिटी तभी होगी जब सभी के जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ तो एक नहीं हो सकते लेकिन जो बेटरमेंट के लिए है वो होना चाहिए, सभी जो है सभी के साथ यूनिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमारी डेमोक्रेसी के थ्रू, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लिबर्टी हमारी आज़ादी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की जो है उसकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। द शॉर्ट अकाउंट ऑफ थियोरेटिकल अप्रोचेज ऑन सिटीजनशिप कुड नॉट क्लोज विदाउट अ ब्रीफ रेफरेंस टू द फेमिनिस्ट टेक ऑन द नोशन ऑफ सिटीजनशिप। तो इन्होंने जो है कई बार बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिक किया है नोशन ऑफ सिटीजनशिप को फेमिनिस्ट वालों ने। अंडर दैट द पर्सनल इज ऑल्सो पोलिटिकल द फेमिनिस्ट एक्सप्रेस टू फोल्ड आर्ग्यूमेंट एज फार एज सिटीजनशिप इज कंसर्न। जैसे जो पर्सनल है वो पोलिटिकल भी होता है, तो उन्होंने दो आर्ग्यूमेंट बताए हैं जो कि कंसर्न है। पहला है, फर्स्ट दैट सिटीजनशिप वॉज पब्लिकली constructed upon the domestic suppression and exclusion of women in the private realm. कहते जो ये सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया है क्योंकि वुमेन्स को फुल पूरे जो हैं वो राइट्स नहीं मिलते। और दूसरा इन्होंने कहा है कि मस्कुलिन क्वालिटीज़ जैसे कि आर्मी को सब जो है ज़्यादातर मेल्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कई बार हो जाता है। As far as the first arguments, the feminist theories employ the principles of justice and equality in order to guarantee that prejudices and participation are surpassed and that women can participate in equal terms as citizens and as members of the political institutions. In the second argument, the feminist theory underlines that a feminine reading of the notion of citizenship should take place. तो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में बताते हैं कि उतनी इक्वालिटी, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन को भी जो है इक्वल टर्म में सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, और सेकंड में कहते हैं कि जो सिटीजनशिप का नोशन है उन्हें मेन जो है लेना चाहिए, फैमिली पर भी जो किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज द ईयू एंड द प्रोमिस ऑफ ए सप्रा एंड ट्रांसनेशनल सिटीजनशिप।
Globalization and the challenges it possesses to the very idea of the nation state also blur the connection between the citizen and the territory and borders of the traditional nation state. जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कई बड़े चैलेंजेस आते हैं जिसमें सिटीजन और टेरिटरी का या हमारे बाउंड्री या फिर ट्रेडिशनल नेशनल स्टेट का इतना कनेक्शन नहीं होता, लेकिन मेन जो है सिटीजनशिप जो है टेरिटरी पर भी बेस्ड करती है कि हम कहते हैं कि यहाँ तक जो है इंडिया है तो यहाँ पर इंडिया की सिटीजनशिप पर लागू होती है. देयर मेन आर्ग्यूमेंट इज दैट दो citizenship can function in its legal dimension beyond the nation state ability to participate in the international institutions, to ask for the public scrutiny and accountability to dubious territory. That is not the case as far as political participation in is concerned. तो हमारी citizenship जो है वो legal dimension भी है क्योंकि हम international institution में भी participate कर सकते हैं एज इंडियन या फिर एज कोई भी नेशन के जब हम सिटीजन होते हैं तो हम उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देयरफॉर डेमोक्रेटिक कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज अ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर डिफिकल्ट टू बी इनेक्टेड इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट. तो डेमोक्रेसी पर कंट्रोल रखना अकाउंटेबिलिटी रखना तो ये तो कई बार टफ हो जाता है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ आल्सो क्रिटिसाइज्ड इन ईयू. ईयू में जो है यूरोपियन यूनियन इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी जो क्रिटिक किया गया है क्योंकि इसमें भी जो रूल्स रेगुलेशन जो है अच्छे से नहीं बन पाते, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है, हमारे जो राइट्स हैं राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसमें कई बार कंसर्न होते हैं या फिर नहीं होते. एज बेलेमी ने बोला था यूरोपियन पॉलिटिशियंस आर बोथ लिटल ट्रस्टेड एंड स्कार्सली नोन. तो यूरोपियन पॉलिटिशियन जो होते हैं उन्हें ट्रस्ट भी करना चाहिए या जो है उन्हें उनसे डरना भी चाहिए. बाय लार्ज सिटीजन्स हैव रिमेन टाइड टू देयर नेशनल एंड सब नेशनल एलिगेशंस एंड मेनली एंड इंक्रीजिंगली व्यू द ईयू इन नैरोली सेल्फ इंटरेस्टेड टर्म्स. इन दिस फ्रेम व्हाट सीन्स दैट लैक ऑफ ए यूरोपियन सिटीजनशिप एट मोस्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिविक और पोलिटिकल कॉमन इथोस. तो इसमें जो है यूरोपियन सिटीजनशिप मोस्टली नहीं दी जाती, लेक ऑफ यूरोपियन सिटीजनशिप है तो ये जो इनके मोर सिविल और पोलिटिकल कॉमन इथोस हैं. द मोस्ट इंटरेस्टिंग असेट ऑफ द यूरोपियन सिटीजनशिप इज अ ड्यूल करैक्टर. तो ये भी ड्यूल करैक्टर है इनका एंड प्रोमिस बहुत प्रॉमिस भी करते हैं ये. यूरोपियन सिटीजनशिप इज़ फार मोर देन सुपरनैचुरल, इट इज़ ट्रांसनेशनल सिंस अ लार्ज पैन ऑफ द राइट्स एक्नॉलेज्ड बाय द यूरोपियन लेजिस्लेशन इज एक्चुअली इन्फोर्स्ड इन अदर मेंबर स्टेट्स सच एज द राइट टू पार्टिसिपेट इन रीजनल इलेक्शन प्रोसीजर्स. तो इसमें जो है राइट्स दिए जाते हैं क्योंकि ये सुपरनैचुरल नहीं ट्रांसनेशनल है. इसमें रीजनल इलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए जो है राइट टू पार्टिसिपेट का ये जो है इन्हें राइट देता है. इट इज़ दिस द ट्रांसनेशनल करैक्टर ऑफ यूरोपियन सिटीजनशिप दैट प्रोमिसेस द मोस्ट इंटीग्रेटिंग रिजल्ट एज फार एज द यूरोपियन पीपल आर कंसर्न. वी आर मेनली इकोनॉमिकल एंड कॉन्सिक्वेंटली कल्चरल एंड पोलिटिकल एक्सचेंज. मोर इम्पॉर्टेंटली द वैल्यू ऑफ द यूरोपियन सिटीजनशिप इज हाइडिंग इन द वेरी प्रोमिस इन इज इंटाइल्स. तो इसमें कई बार ये जो इनकी वैल्यूज जो है वो हाइड रखी जाती हैं. मेनली सिटीजनशिप जो है वो हमें कि हम उस नेशन में रहते हैं इस ये एक तरह का प्रूफ होता है. तो सिटीजनशिप जो है ड्यूअल सिटीजनशिप भी हो सकती है, सिंगल सिटीजनशिप भी होती है. जून में पेपर नेट के पेपर में भी आया था कि ड्यूअल सिटीजनशिप किस किस राज्यों में होती है, जैसे कि हमें पता है कि यूएसए में तो होती है. तो ऐसे जो है कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं नेट एग्ज़ाम में. तो सिटीजनशिप वैसे तो सभी को पता होता है तो ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पर है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद जय भारत.